मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जेक होता है और वो एक स्पेस बोट में बंद होता है जो कि स्पेस में ट्रेवल किया करता था और वो ये स्पेस बोट में 6 साल से था। उतना दिन से ये यहीं पड़ा था और उसका पैर पैरालाइज हो चुका था। पर हमें यहाँ तो समझ में नहीं आता कि जेक स्पेस में कर क्या रहा था, लेकिन तभी हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें देख के पता चलता है कि जेक का एक जुड़वा भाई भी होता है और वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट होता है और उसका भाई स्पेस में जाना चाहता था, लेकिन उसका लोगों से लड़ाई हो जाता है। कुछ पैसों के लिए उसका भाई मारा जाता है। स्पेस में जाने के लिए नासा का भी बहुत खर्चा हुआ था, तो जेक ही नहीं चाहता था कि सारा पैसा बेकार जाए और वो उसका भाई का जो सपना था वो खुद पूरा करना चाहता था। तो वो अपने भाई की जगह स्पेस में चला जाता है। वो सिर्फ जाने के लिए ही तैयार होता है क्योंकि वो पैरालाइज होता है। वो सोचता है कि जिस मिशन पर वो जा रहा है उस मिशन पर कामयाब होने पर उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलेंगे जिससे वो अपना पैरालाइज पैर का इलाज करवा सकता है। उसका पैर नहीं होता है फिर भी वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसे खुद पर यकीन हो जाता है कि वो ये खुद कर लेगा। जिस प्लेनेट पर वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। उसके साथ जितना भी लोग जा रहे होते हैं सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं जहाँ पर वो अपने लीडर से मिलते हैं। तो उनका लीडर उन लोगों को समझाने लगता है वहाँ के हालात को कैसे फेस करना है और वहाँ पर किसी तरह के क्रिएचर अगर मिल जाए तो उससे किस तरह सामना करना है। तभी जेक यहाँ एक आदमी से मिलता है और इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल से एक साथ हुआ था, तो उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा जान पहचान थी। तो उसे जेक का उसे अपनी अवतार दिखाता है। इस अवतार में इंसानों के डीएनए भी होती है और उस क्रिएचर के भी। तभी एक लीडर आती है, वो सीधा इस प्रोजेक्ट का हेड के पास जाती है। वो एक बिजनेसमैन होता है जिसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और वो उसे पूछता है जेक को लाने का क्या मकसद था। वो बोलता है कि इसमें कोई मसला नहीं है, तुम्हें पता भी है हम उस प्लेनेट में क्यों जा रहे हैं। उसे कीमती स्टोन दिखाता है और कहता है प्लेनेट से हम ये स्टोन लेंगे, केजी स्टोन 100 करोड़ का बिकता है, यानी इसका 10 ग्राम करोड़ों पे बिकेगा, तो तुम खामोशी ऐसे होने दो जो हो रहा है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जेक को एक मशीन में बंद किया जाता है जिससे वो अवतार बन के निकलता है। एक अवतार के बॉडी में शिफ्ट कर दिया गया था जिसे पाकर वो बहुत खुश था। लीडर से मिलता है और जेक की काफी तारीफ करता है क्योंकि जेक पहले फौज में था। उसका लीडर बोलता है कि वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाना क्योंकि वो सब तुम पर भरोसा करने लगेंगे। तुम जानते हो ना इस प्रोजेक्ट का हेड यही चाहता है प्लेनेट से ज्यादा स्टोन निकाल सके, इसके लिए वो क्रिएचर उसको वहां से हटाना होगा। अगर वो काम तुम कर लो तो अच्छा है, अगर तुम ये काम 3 महीने में कर लेते हो तो अच्छा है, अगर ना कर पाए तो हम चाह करके भी वहाँ हमला करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा और एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी क्योंकि स्टोन तो हमें चाहिए ही चाहिए। और उसे कहता है इसके बदले में मैं तुम्हारे पैरों को ठीक करा के दूंगा। जेक उसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते हैं जेक जो कि एक अवतार होता है वो बहुत खुश होता है और वहाँ की चीजों को छूने लगता है। तभी वो देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े जानवर है। एक अजीब सा जानवर जेक के पीछे पड़ जाता है तो जेक झरने में कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन वो अपने टीम से अलग हो चुका था। जेक अपने लिए एक हथियार तैयार करता है, उसकी टीम उसे काफी ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। वो लोग ये सोच के चला जाते हैं कि जेक मारा जा चुका होगा अभी तक, लेकिन जेक अकेला था। जेक वहीं पर जंगल में अकेले घूमता रहता है। तभी हम देखते हैं एक फीमेल उसे देख रही होती है और वो उसी प्लेनेट की क्रिएचर होती है जिसका नाम नेत्री होती है। तभी वो जेक को देख कर तीर चलाने ही होती है, तभी उस पर एक जीव आकर बैठ जाता है। तभी वो अपना डिसीजन बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात को जेक के पीछे कभी खतरनाक जानवर पड़ जाते हैं जो उस प्लेनेट के होते हैं। जेक उनको भगाने के लिए आग भी चलाता है, तभी वहाँ पर एनर्जी आकर उसे बचाती है, लेकिन इस तरह वहाँ के कुछ जानवर मारे जाते हैं। नेत्री उससे कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे जानवर मारे गए हैं। जेक उससे कहता है गुस्सा किस चीज का दिखा रहे हो, अगर तुम जानवर को बचाना चाहती है तो मुझे क्यों बचाया, मुझे ना बचाया होता। नेत्री उससे कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो। जेक उससे कहता है मुझे सिखाओ तो कैसे लड़ा जाता है। उसी टाइम जेक के बॉडी पर वह सब जीव आके बैठ जाते हैं। नेत्री एक कबीले के सरदार की बेटी होती है, जेक को अपने कबीले के पास लेती जाती है। कबीले के लोग जेक को मारना चाहते हैं लेकिन नेत्री उन लोगों को रोकती है। उसे कहती है इस पर हमला मत करो, ये बात पोलवेचर को अच्छा नहीं लगती है जो कि आगे जाकर इस कबीले का सरदार बनने वाला था। लेकिन नेत्री की माँ जो कि वहाँ की रानी होती है तो नेत्री से कहती है तुम जेक को
चीजें सिखा सकते हो। फिर हम देखते हैं असल दुनिया में जेक को उठाया जाता है। जेक जब उठ जाता है तो उन लोगों को बताता है कि उन लोगों पर मुझ पे भरोसा करने के लिए मैंने तो पहला स्टेप पार कर चुका है, जिसे सुनकर वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेक को काफी सारी चीजें सिखाने लगती है, जैसे वहाँ के घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखते हैं लीडर अपने टीम को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर इनका छोटा सा केबिन होता है। फिर वहाँ सब लोग देखते हैं कि सब पहाड़ हवा में उड़ रहे होते हैं, उन्हें देखकर ये बहुत मजा आता है। फिर जेक की ट्रेनिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है। देखते ही देखते जेक की ट्रेनिंग काफी अच्छी हो जाती है, वो वहाँ की सारा बातें सीख जाता है, हॉर्स राइडिंग करना, तीर चलाना और बहुत सारी चीज सीख जाता है। नेत्री उसको इस जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसे एक परिंदे से मिलवा, ये उड़ सकता है। पता है इसकी खासियत क्या है? ये अपना राइडर खुद ही चुनता है, सारी जिंदगी उसी के साथ सिंसियर रहता है। और इसे चुनने से पहले तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये तुम्हें मार भी सकता है। लेकिन जल्द ही जेक उस परिंदे को चुन लेता है और अपने काबू में कर लेता है और उसमें काबू पाकर उड़ने लगता है। जेक उड़कर पूरा इंजॉय कर रहा होता है। वहां पर उन दोनों खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी बहुत ही खतरनाक परिंदा उनके पीछे पड़ जाता है। तो ये लोग उसे लड़कर जल्दी से हरा देते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। तभी उसको बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक होते हैं, इन पर सवारी करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसके बारे में ये माना जाता है कि ये दुखों को खत्म कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जेक का वहाँ पर 3 महीना हो चुका होता है, तो कर्नल उसे वापस बुलाता है और उसे कहता है कि जो काम मैंने तुमको दिया था वो तुम शायद भूल रहे हो। तो जेक कहता है नहीं, मैं नहीं भूल रहा हूँ, कल उसका एक इवेंट है जिसमें सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तो कर्नल कहता है कि अगर ये तुम ना कर पाए तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। तो जेक कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं कल उनको उस जगह से हटा दूंगा। और अगला दिन आ जाता है और वो एक इवेंट होता है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। उस प्लेनेट पर रहने वाले सारे क्रिएचर जेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं जेक को एक पेड़ के पास ले जाते हैं। उन नेत्री जेक को ये भी बताते हैं कि यहाँ कबीले में तुम किसी एक महिला को चुन भी सकते हो। और जेक उसे कहता है मुझे तो तुम अच्छी लगती हो, और नेत्री हंसने लगती है। अभी हम देखते हैं कर्नल वो अपना काम शुरू कर चुका होता है, जिसे देखकर सारे कबीले वाले लोग बहुत ज्यादा गुस्सा में होते हैं। जेक उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। एक क्रिएचर जो वहाँ पे सरदार बनने वाला था वो जेक पर हमला कर देता है, पर नेत्री उसे बचाती है। फिर कर्नल कहती है कि जरूरी नहीं है कि उसको मार के तुम स्टोन को प्राप्त करो, क्या पता स्टोन चारों तरफ हो। तब तक वहाँ पर जेक भी आ जाता है और अपना कर्नल से कहता है आप लोगों को ये स्टोन क्यों चाहिए, वो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं और वो लोग का यही घर है, वो यहाँ से कभी जाने वाले नहीं है। तो कर्नल कहता है हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर वो यहाँ से नहीं जाने वाले तो हम लोग एक युद्ध करेंगे। फिर सबको समझाने का कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं समझता। वो कहता है तुम लोग फिर से जा सकते हो अपने अवतार में और उनसे बात कर सकते हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस प्रोजेक्ट के लीडर और जेक अपने अवतार में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जेक उन लोगों को सब सच बता देता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। और बोलता है कि मुझे इसलिए भेजा गया था क्योंकि आप लोगों को यहाँ से हटा सकूं, और कहता है हमें यहाँ से कुछ जरूरी चीजें चाहिए। और तभी नेत्री रोने लगती है। नेत्री जेक से कहता है तुम अब तक ड्रामा कर रहे थे, हम लोग को तभी से झूठ बोल रहे थे। तभी जेक को और उस प्रोजेक्ट के लीडर को सभी कैद कर लेते हैं। तभी उन लोग उन पर अटैक कर देते हैं लेकिन उनके पास अटैक करने के लिए सिर्फ तीर और धनुष होता है। कर्नल उन पर बॉम्ब गिराने लगता है जिससे हर तरफ आग लग जाती है और कबीले के लोग डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी एक क्रिएचर जेक के पास आता है और उन्हें कहता है कि हम लोगों को बचाओ, लेकिन कर्नल उस बड़ा सा पेड़ को गिरा चुका होता है। ये देखकर सभी क्रिएचर रोने लगते हैं और उन लोगों को इंसानों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस युद्ध में क्रिएचर का लीडर का भी डेट हो जाता है। कर्नल का हेड कहता है जेक और उसके लीडर का रेस्ट किया जाए, लेकिन तभी वहाँ पर एक पायलट आती है, वो आकर उन दोनों को बचाती है और कर्नल की फायरिंग की वजह से वो जख्मी हो चुका होता है और उसका बहुत सारा खून निकलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेक अपने उतार में आ चुका होता है, लेकिन जेक देखता है यहाँ के सारे लोग कहीं और चले जा चुके होते हैं और जेक वहीं पर होता है जहाँ पर उनका एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ होता है। उन सभी क्रिएचर्स को लग रहा था कि जेक उन्हें धोखा देकर भाग चुका है। फिर हम देखते हैं जेक उसी परिंदा के साथ आता है जो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया था। जब जेक को उस परिंदे के साथ
ज्यादा सभी क्रिएचर देखते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं, और जो इस परिंदे पर बैठेगा वो इन लोगों को भी बचा सकता है। तभी सब लोग सोचते हैं कि जेक हमें छोड़कर नहीं भागा था, और सब लोग सोचते हैं कि वो हमारी मदद करने के लिए आ गया है। जेक को देखकर नेत्री भी बहुत खुश हो जाती है। जेक नेत्री की माँ से बोलता है, मेरी एक दोस्त जख्मी है, क्या बचाने का तुम लोगों के पास कोई तरीका है? उसकी माँ बोलती है, हाँ अगर वो अपनी अवतार में आ जाए तो वो जरूर बच सकती है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं बचा पाते हैं वो लोग, उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। और जेक उन लोगों सभी से कहता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ेंगे। तब सभी क्रिएचर जेक की तरफ हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्रिएचर बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से कर्नल अभी रुका हुआ था। कर्नल के पास लड़ने के लिए बहुत सारे जहाज और बोम सब होते हैं, लेकिन जेक और बाकी क्रिएचर के पास सिर्फ तीर और धनुष था। लेकिन जेक इस बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि जेक इस प्लेनेट को अच्छी तरह से जान चुका होता है, और जेक ठान लेता है कि उन लोगों के लिए और इस नेचर के लिए वो लड़ेगा। जेक उस पवित्र पेड़ के पास जाता है और उसे कहता है कि आप हमारा ध्यान रखिएगा, कर्नल यहाँ नेचर को तबाह करने के लिए आ रहा है, और उसे कहता है कि आप वैसा होने मत दीजिएगा। और वहाँ पर कर्नल हमला करना शुरू कर देता है, वो लोग भी बहुत सारे साथ होते हैं और एक ही साथ जाते हैं। जेक और उसके लोग भी तैयार होते हैं युद्ध करने के लिए, और जेक भी उसी परिंदे पर आ रहा होता है जो वहाँ बहुत खतरनाक होता है। उन लोग के पास सिर्फ तीर धनुष था और उनके पास मिसाइल और बोम होते हैं, इसलिए जेक लोग पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जेक लोग के पास बहुत सारे परिंदे थे, उससे वो लोग हेलीकॉप्टर को गिराने लगते हैं, और रेड वाला परिंदा सबसे स्ट्रॉन्ग था। कर्नल वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर एक पायलट आती है जो जेक लोग के साथ होती है, लेकिन कर्नल उस पर भी अटैक करने लगता है। उस पर फायरिंग करने वक्त नेत्री का परिंदा को गोली लग जाती है और वहाँ पर काफी तबाही होने लगती है। इस फायरिंग की वजह से इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है जो कि जेक का बहुत मजाक उड़ाया करता था। पर कर्नल का टारगेट होता है वही पेड़ की तरफ, क्योंकि उस पर हमला करके ये इन लोगों पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। नेत्री भी बहुत डरी हुई होती है, लेकिन वहाँ पर अटैक करने से पहले जेक की दुआ कबूल हो जाती है जो कि उसने उससे कहा था। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ से बहुत बड़े बड़े परिंदे आते हैं जिन पर गोली चलाने से कोई असर नहीं होता है, और वो उन कर्नल पर जिनके पास बंदूकें और बम होती है उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। जिस जहाज से उन लोग वहाँ तबाह करना चाहते हैं उसे जेक गिरा देता है, और वो जहाज वहीं पर गिर के ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर तबाह होने से भी बच जाती है। जेक कर्नल का जहाज को भी गिरा देता है। तभी कर्नल अपनी जहाज से नीचे आ जाता है, लेकिन जेक भी वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी कर्नल को केबिन नजर आता है जिसमें जेक होता है, यानी जेक का इंसानी रूप, जिसमें वो उसमें बंद होकर वो बेहोश पड़ा था। कर्नल वही चाहता है अगर केबिन में उस जेक को मार दे तो जेक का अवतार भी मर जाएगा, लेकिन उससे पहले नेत्री आ जाती है और कर्नल पर अटैक कर देती है। कर्नल नेत्री पर भारी पड़ रही होती है, तभी वहाँ पर जेक आ जाता है। तभी जेक खुद को मारने से उसे रोकता है, लेकिन कर्नल उसका चोटी पकड़ लेता है। कर्नल जेक को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर नेत्री पहुंच जाती है। कर्नल जेक को बोल ही रहा होता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तभी नेत्री कर्नल पर तीर चला देती है और कर्नल मर जाता है। तभी जेक एक तरफ बेहोश हो जाता है क्योंकि जेक को बहुत चोट आई थी, और वो ह्यूमन वर्जन में वापस उठ जाता है, लेकिन वो सांस नहीं ले पाता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन तभी आकर नेत्री उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है और दोनों स्माइल करते हैं क्योंकि नेत्री जेक का जान बचा लेती है। नेत्री जेक को देखकर और भी खुश हो जाती है। मूवी के लास्ट में देखते हैं सभी इंसानों को अपने दुनिया भेज दिया जाता है और जेक वहाँ पर रह जाता है, और कुछ उसके फ्रेंड भी रह जाते हैं जो कि उनसे मिलकर रहने वाले थे। और तभी हम देखते हैं जेक को हमेशा के लिए अवतार पोर्टी में शिफ्ट किया जाता है, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जेक अपना अवतार में आ जाता है, और इस मूवी की एंड यहीं पर हो जाती है।